बॉलीवुड से इस वक्त बहुत दर्दनाक खबर आ रही है। आमिर खान की फिल्म दंगल की चाइल्ड एक्ट्रेस सुहानी भटनागर का 19 साल की उम्र में निधन हो गया है। फिल्मों में उन्होंने जूनियर बबीता फोगाट का किरदार निभाया था। फिल्म में उनकी एक्टिंग की खूब तारीफ हुई थी। वो कई टीवी एड्स में भी काम कर चुकी थी। बीते कुछ दिनों से सुहानी का फरीदाबाद एम्स में इलाज चल रहा था। कुछ दिन पहले ही उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ था। इसके इलाज के लिए वो जो दवाइयां ले रही थी उसके रिएक्शंस के चलते सुहानी की पूरी बॉडी में पानी भर गया था। इसी बीमारी के चलते उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। दंगल करने के बाद सुहानी के पास फिल्मों की लाइन लग गई थी, लेकिन उन्होंने काम से ब्रेक लेने का फैसला किया। सुहानी पहले पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती थी। कई इंटरव्यूज में सुहानी कह चुकी थी कि पढ़ाई के बाद वो फिर से फिल्मों में वापसी करेंगी। सुहानी 25 नवंबर 2021 के बाद से इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक्टिव नहीं हुई थी। हालांकि इससे पहले वो अक्सर अपनी तस्वीरें शेयर किया करती थी। सुहानी का ट्रांसफॉर्मेशन देखकर लोग हैरान रह गए थे। सुहानी का लुक काफी बदल गया था। वो पहले से भी ज्यादा ग्लैमरस हो गई थी। सुहानी जैसी टैलेंटेड एक्ट्रेस का इतनी कम उम्र में चले जाना बहुत दर्दनाक है। उनके पेरेंट्स दहाड़े मार कर रो रहे हैं। सुहानी के निधन की खबर अभी मिली है। भारतीय सिनेमा ने अपना एक चमकता सितारा खो दिया है।